ड्रामा ड्रामा क्या खेले, करना है कुछ कमाल। चलो ऋषि और तनु एक दूसरे को जलाने के लिए करें अपने नच से धमाल। लगता है यही गेम खेल रहे हैं ऋषि और तनु। कभी तनु पवन संग नाचकर ऋषि को जलाती है तो कभी ऋषि नेहा संग नाचकर तनु को जलाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे को जलाने के लिए बाप रे बाप कितनी बार नाचते हैं। दाव खेलने की बारी ऋषि की है। तनु को जलाने की खातिर ऋषि नेहा संग थिरक रहे हैं, उसके साथ एक रोमांटिक गाने पे नाच रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो डांस हो रहा है वो ऋषि तन्वी को जलाने के लिए कर रहा है, और कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जेलस हो तन्वी, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ऋषि थोड़ा जेलस हुआ था जब उसने डांस किया था पवन के साथ। तो ये बेसिकली पूरा जो है एक तरह से जस्ट टू यू नो गेट हर जेलस। और वैसे ऋषि ने इस बार काफी अच्छी तरह तनु को जलाया है। वो डांस नेहा के साथ कर रहे हैं, लेकिन वार तनु पे हो रहा है। इतना ही नहीं, वो तो डांस करने के बाद तनु और पवन के सामने लोगों को ड्रिंक्स भी सर्व कर रहे हैं। जिससे तनु को और बुरा लग रहा है, और तनु इस वार से घायल भी हो रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि ऋषि से वो बेहद प्यार करती है, पर ना जाने क्या मुश्किल आ पड़ी है जो तनु अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो अब समझ रहा है कि तन्वी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। बट आई फील उसे अब लग रहा है कि ये जो सगाई हुई है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सगाई, बिकॉज अंगूठी जो है वो गलत उंगली पहनाई गई। तनु और ऋषि जरा बताएंगे कि आप दोनों की ये नच की लड़ाई कब खत्म होगी, क्योंकि हम आप दोनों का रोमांटिक सॉन्ग देखना चाहते हैं। प्यार जब आप दोनों एक दूसरे से करते हैं तो भला आपको हम किसी और के साथ नाचते हुए क्यों देखें? आगे के स्क्रीन प्लेस तो मैंने पढ़े नहीं है, बट आई एम श्योर मिलेंगे ही है। मिलेंगे नहीं तो फिर शो कैसे रहे? आंसू तो बहेंगे ही, लेकिन हम मिलेंगे भी, मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये कभी नहीं मिलने वाले, और ये कभी मिल भी गए तो मैं डस दूंगी डस। क्यों यूं मैं शो में डसने के लिए आई हूँ? आप दोनों को अब एक साथ दिखना चाहिए, क्योंकि अब दर्शक आपकी मोहब्बत का रंग देखना चाहते हैं। I'm sorry, ये कसम है, ये कसम ही है, और ये कसम ही रहेगी, और ये कसम तेरे प्यार की है। हम किसी और शो को हम अपने साथ लाते नहीं। आई थिंक हमें जरूरत भी नहीं है। आई थिंक इंडिविजुअली आई थिंक हमारा शो ऑलरेडी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई थिंक द व्यूअर्स आर लविंग इट सो मच दैट वी आर वेरी हैप्पी विद दिस कसम ओनली। कसम जो है प्यार की है, कसम तेरे प्यार की। प्यार मोहब्बत ये सब क्या होता भाई? पर्यायवाची होते हैं। हम हिंदी क्या बोलते हैं? प्यार मोहब्बत इश्क से पर्यायवाची होते हैं ना हिंदी में, है ना? हाँ, सिनोनिम्स है। पूछे ये पूछ रहे कि ये जो कसम है ये प्यार की है, मोहब्बत की कसम नहीं है? कह रहे ये शो जो है ये मोहब्बत टाइप है। मैंने क्यों, हमारा शो है, कंपेयर इट टू एनी शो, वी डोंट नीड टू। तुम बोलो ये सब, मैं क्यों बोलूं? वी डोंट। ये देखिए आप, यू बोलू कि उसकी इज्जत अब मेरे हाथ में है। आओ ना, तन्वी की इज्जत है वो ऋषि की, वो डेफिनेटली अभी ऋषि की इज्जत है तन्वी के हाथ में, शरद की इज्जत कृतिका के हाथ में। और मैं बताऊं क्यों? कि हमारी जो है वो थोड़ा वो चल रही है, थोड़ा बॉक्सिंग चल रही है। पर्दे पे ये दोनों एक दूसरे का दिल जलाने का काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी मस्ती गजब की है। जरा आप भी देखिए कि शूटिंग के बीच बीच में ये किस तरह से अपना वक्त बिताते हैं, कितनी मस्ती करते हैं। कभी ऋषि अपने को एक्टर्स संग सेल्फी खींचते, अलग अलग पोजेस देते, तो वहीं दूसरी ओर तनु बार बार ड्रेसिंग में बिजी हो जाती, और उससे फ्री होती तो गप्पे मारने लग जाती। वैसे पर्दे के पीछे कसम की टीम की बॉन्डिंग वाकई बड़ी अच्छी है,
और इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि कहानी के साथ साथ इनकी बॉन्डिंग की वजह से शो को अच्छी रेटिंग मिल रही है। आई थिंक द कास्ट इज सो सुपर्ब कि हर एक इंसान परफेक्टली बैठता है। आई थिंक टेक्नीशियंस, हमारे डायरेक्टर जो है, आई थिंक एवरीवन इज डूइंग सच अ गुड जॉब, एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली द राइटर्स एंड द क्रिएटिव्स, एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू एकता, आई थिंक इट्स ऑल एकता'स ब्रेन। सो मुंबई से श्वेताब शक्ति के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।